தாய்கத்தான் 2021 போட்டியில் கலந்து கொண்டவர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தற்போது கலந்துரையாடி வருகிறார். பொம்மைகள் மற்றும் விளையாட்டு சாதனங்களில் புதிய சிந்தனைகளை உருவாக்கும் முயற்சிகளுக்கு பிரதமர் பாராட்டு தெரிவித்தார். Compete with others और healthy peer pressure build कर सके। ये जो आपकी गेम है वो सिर्फ अंग्रेजी में है या मल्टीलिंगुअल है और यूएन की जो लैंग्वेजेज हैं ताकि दुनिया में पहुंचे, इसके लिए भी कुछ किया है क्या? अभी फिलहाल ये इंग्लिश में ही है, लेकिन इसको ट्रांसलेट करने का प्रोसेस, वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग इट इनटू अदर लैंग्वेजेस एंड इट इज एट वेरी सेल्फ सफिशिएंट अभी, क्योंकि बहुत सारे विजुअल इंटरैक्शंस हैं इसमें जिसकी वजह से लैंग्वेज की नेसेसिटी उतनी फील नहीं होगी। विजुअलाइजेशंस को देख के ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट इनटू अदर ट्रांसलेशंस एंड वी बिलीव इट इज गोइंग टू बी इजी टू डू दैट। अच्छा, जो दिव्यांगजन है उनको कमेंट्री के द्वारा या कोई और तरीके जोड़ करके हम उसमें कुछ डेवलप कर सकते हैं या कुछ किया है आप लोगों ने? हाँ, वी हैव वॉइस ओवर्स इसमें जो स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्ट, सॉरी टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट करता है, तो अगर कोई पढ़ नहीं सकता या देख नहीं सकता तो वो आराम से सुन के योगासन कर सकता है। चलिए, आज योग का चलन इतना अधिक बढ़ गया है ये हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दौरान देखा है। अब गेमिंग के जरिए जो आपका ये नया प्रयास है, ये योग के प्रचार प्रसार को भी बढ़ावा देगा और युवाओं को एंटरटेनमेंट के साथ साथ फिटनेस के लिए भी प्रेरित करेगा। आपने अपने गेम में ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी, उन दोनों का जो मिलन किया है, इससे हम और बेहतर ढंग से योग का लाभ दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी आत्मनिर्भर भारत की बहुत बड़ी ताकत है। मैं आपकी पूरी टीम को, सभी नौजवान साथियों को इस शानदार प्रयोग के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं चाहूंगा कि आप ऐसे नए नए इनोवेशन करते रहें और बार बार नई चीजें लेकर के आप देश और दुनिया के सामने आइए। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट लेट अस मूव टू एस